हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरशाला। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं बच्चों वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो बच्चों क्या होता है ना, जो फ्रांस है वो मोनार्की को अबोलिश कर देता है और एक रिपब्लिक बन जाता है। अभी तक हमने क्या देखा था, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है। अब जो है ना, फ्रांस पूरे मोनार्की सिस्टम को ही हटा के फेंक देता है और क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक बन जाता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर फ्रांस रिपब्लिक कैसे बनता है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग इयर्स। हम ये देखते हैं कि 1789 के बाद भी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टेंस बनी रहती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी रहती है। ऑल्दो लुईस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जो लुईस 16 था उसने है ना कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, नेशनल असेंबली को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। ही एंटर्ड इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशिया। तो अब हम समझ सकते हैं कि सर जो हमारा फ्रांस है ना वो अब कैसे रिपब्लिक बनेगा, किस कारण से वो रिपब्लिक बनेगा, क्योंकि सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी जो हमारा लुई 16 था, लुई 16 ने क्या किया, जो किंग ऑफ पर्सिया है ना उससे एक सीक्रेट एग्रीमेंट उसने कर लिया। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो होता क्या है ना बच्चों, 1789 में क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद नेशनल असेंबली को लुई 16 को एक्सेप्ट करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है और जो मोनार्क है उसकी पावर बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ जाती है, बहुत ज्यादा उसकी पावर लिमिट में आ जाती है। अब ऐसे में जो पास की कंट्रीज होती है, पास के जो किंग होते हैं ना, जो फ्रांस के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है, उन्हें अब डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं जो फ्रांस के साथ हुआ, जो फ्रांस के रूलर के साथ हुआ, जो फ्रांस के मोनार्क के साथ हुआ, वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो ऐसे में सर वो सभी सोचते हैं, वो सभी है ना प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम क्या करें, क्यों ना हम फ्रांस के अंदर जो ये डेवलपमेंट्स हुई है उन्हें रोकने के लिए हम वहां पे ट्रूप्स को सेंड कर देते हैं। और जो डेवलपमेंट जो समर 1789 के अंदर हुई थी, मतलब सर जो 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई थी, क्यों ना हम इस सभी को क्या कर दे, पुट डाउन, मतलब सर हम इन सभी को क्या कर दे, खत्म क्यों ना कर दे। फिर हम आगे देखते हैं, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया। अब ऐसे में जो नेशनल असेंबली है उसके मेंबर्स, उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि सर जो किंग है ना वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली किसी एग्रीमेंट में आ चुका है। तो सर ऐसे में है ना नेशनल असेंबली एक लॉ पास करती है, एक है ना वोट करती है अप्रैल 1792 के अंदर, जिसमें वो डिक्लेयर कर देती है एक वॉर अगेंस्ट किसके, किसके अगेंस्ट में सर, पर्शिया के और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में एक वॉर को वो क्या कर देती है, डिक्लेयर कर देती है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। अब ऐसे में जब वॉर डिक्लेयर हो जाता है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, तो क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो है ना थ्रू आउट द प्रोविंसेस ऑफ द पेरिस, वो क्या होते हैं, प्रोविंसेस ऑफ फ्रांस, वो क्या होते हैं, आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि कई हजारों लोग जो है आर्मी ज्वाइन करते हैं। दे सो दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। उन लोगों के लिए ये जो लड़ाई थी, ये जो वॉर थी ना, ये जो वॉर थी वो सिर्फ और सिर्फ एक है ना उसके खुद के सिस्टम के लिए, उनके खुद के सिस्टम के लिए नहीं थी, उसका ये जो लड़ाई थी वो थी सारे पूरे यूरोप के लिए। सर पूरे यूरोप के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी है, जो पूरे यूरोप में जो किंग्स का जो ये रूल चल रहा है ना, उसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी सर एक ब्रेड प्राइस हाई होने से, सर एक इकोनॉमी की हालत खराब होने से। अब ये जो मोटिव है, ये ओवरऑल जो रेवोल्यूशन है, अब ये क्या चाहता है कि सर पूरा जो यूरोप है ना, इस पूरे यूरोप के अंदर जहां भी एरिस्टोक्रेसी, जहां भी किंग्स है ना, उन सभी को यहां से निकाल दिया जाए। द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सैंग वाज द मैरोलीज़ कंपोज बाय द पोएट रॉगेट द लेजी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर वहां पे है ना नेशनल जो नेशनल एंथम्स जो होते हैं, नेशनल जो सॉन्ग्स होते हैं ना, वो संग किए जाते हैं, मतलब गाए जाते हैं। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम नाराजलीस एज दे मार्च इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। तो सर ऐसे में क्या होता है कि कई सारे जो नेशनल एंथम्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा गाए जाते हैं, कई सारे वॉलंटियर्स जो होते हैं जो कहाँ से आ रहे होते हैं, जो आ रहे होते हैं मैरलीज से, तो सर ये है ना मार्च करते हैं पेरिस के अंदर, और पेरिस में मार्च करने के साथ साथ इन एंथम्स को वो गाते हैं, इन गानों को वो गाते हैं, इन सॉन्ग्स को वो गाते हैं, ताकि वो लोगों को बता सके कि सर हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम ये नेशन के लिए लड़ रहे हैं, हमारा जो मोटिव है वो हमारे खुद के नेशन के लिए तो है ही है, और साथ ही साथ जो पूरा यूरोप है उस यूरोप को भी हम फ्री कराना चाहते हैं एरिस्टोक्रेसी से। फिर हम आगे देखते हैं,
रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। पर क्या होता है, जैसे ही रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों चेंज, जैसे ये चेंज करने वाले वॉर शुरू होते हैं तो कई सारे लॉसेस, कई सारे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लोगों के सामने आती है। व्हाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर द फैमिलीज। अब क्या होते हैं, जो मैंस होते हैं ना वो तो सब बिजी हो जाते हैं फाइट्स में, जो वॉर्स थी ना उसमें वो सारे मेंस बिजी हो जाते हैं। अब जो पीछे रह गई है वो कौन है सर, वो पीछे रह गई है वुमेन्स। अब वुमेन्स का काम था कि सर वो जितने भी ये टास्क है, जितने भी है ना हमारी सिटी के अंदर, जितने भी ओवरऑल सिस्टम के अंदर जो भी टास्क है ना, उन सभी टास्क को वो क्या करे, बियर करे, साथ ही साथ वो अर्निंग का टास्क भी अब बियर करे। मतलब सर अब वुमेन्स क्या करेगी, वो अर्न करेगी, वो सोसाइटी के अंदर आगे आएगी, आगे आके वो क्या करेगी, अर्न करना शुरू कर देगी, ताकि सर वो अपनी फैमिलीज को क्या कर सके, उस फैमिली की वो केयर कर सके, उनके आफ्टर ध्यान रख सके। तो हम ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल सिस्टम के अंदर अब क्या था, वुमेन्स का रोल बढ़ता जा रहा था। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिजर्व सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब लास्ट सेक्शन जो था ना पॉपुलेशन का, वो कन्विंस हो चुका था कि सर जो रेवोल्यूशन है ना वो चलता रहना चाहिए। क्यों चलता रहना चाहिए, क्योंकि सर ऐसा देखा गया कि जो 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया, जो पॉलिटिकल राइट्स हमारे सामने आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना उन्हीं के लिए है, जो पीजेंट्स है, आर्टिशंस है, उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हमें तो कोई राइट्स मिले ही नहीं। और जैसा कि हमने देखा था कि सर जो फ्रांस था उसकी 90% जो पॉपुलेशन थी वो कौन थी सर, वो पीजेंट थी, और उनके पास कोई राइट्स नहीं थे किसी भी तरीके के, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। तो उन्हें लगता है कि सर अभी भी जो रेवोल्यूशन है ना वो लाना चाहिए, अभी भी हमें रेवोल्यूशन को आगे चलाते रहना चाहिए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। तो हम क्या देख रहे थे कि अब धीरे धीरे जो पॉलिटिकल क्लब्स है ना वो हमारे सामने आ रहे थे, ये जो रैलिंग पॉइंट्स, तो सर रैलिंग पॉइंट्स अब लोगों के सामने है ना मुद्दे आ रहे थे कि सर हमें तो राइट्स मिले ही नहीं, पीजेंट्स यही बातें कर रहे थे कि सर हमें तो राइट्स मिले ही नहीं, और जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज ला रही है, जो प्लान्स ला रही है, जो भी एक्शन ला रही है, फॉर्म कर रही है, उन सभी के लिए जो डिस्कशन है, साथ ही साथ कौन कौन से ऐसी उनकी विशेष है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जो सोसाइटी के अंदर होने चाहिए थे, जो पॉलिटिकल राइट्स उन्हें मिलने चाहिए थे, उसके लिए अब क्या है ना डिस्कशन शुरू हो जाते हैं इन पॉलिटिकल क्लब्स में। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। तो सर उन सभी क्लब्स में सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो क्लब था उसका नाम था जैकोबिन्स। अब सर ये जो जैकोबिन्स था, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। और सर ये जो नाम मिला है, ये जो जैकोबिन्स है ना, ये नाम मिला है उन्हें सेंट जैकब से। फिर हम आगे देखते हैं, वुमन टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फ्रॉम देयर ओन क्लब्स। तो सर हम ये समझ चुके हैं कि सर जो क्लब्स है ना, क्लब्स में क्या होते थे, क्लब्स में सर आइडियाज डिस्कस किए जाते थे, बातें की जाती थी कि सर हमारे साथ, हमारे आइडियाज के साथ क्या किया जाना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या होने चाहिए, जो नए नए थिंकर से उनकी फिलोसॉफीज को वहां पे देखा जाता था, वहां पे पढ़ा जाता था, वहां पे सुना जाता था, ताकि वो समझ सके कि सर ओवरऑल सिस्टम में जो चेंज लाना है ना, वो सिस्टम में चेंज लाना क्यों जरूरी है, और सर वो जो सिस्टम में चेंज जो लाया जाना है ना, वो कैसे लाया जाने वाला है, उस सभी का जो डिस्कशन है वो क्लब्स में किया जाता था। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सर हमने क्या देखा था, जो फ्रांस है ना, फ्रांस का जो थर्ड स्टेट का जो रिचर सेक्शन था ना, उसने ओवरऑल इस सिस्टम को अभी तक क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। पर सर जो उसका लेस प्रॉस्परस सेक्शन था ना, उसका अभी तक कोई भी इसमें रोल नहीं था, उनके पास किसी भी तरीके के राइट नहीं थे। अब उन्हीं लेस प्रॉस्परस सेक्शन को सोसाइटी में राइट्स दिलाने के लिए, पॉलिटिकल राइट्स दिलाने के लिए अब है ना ये जैकोबिन क्लब लड़ने वाला था, जो जैकोबिन क्लब है वो सामने आने वाला था। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर। अब जो जैकोबिन क्लब था ना उसके अंदर कौन कौन से लोग थे सर, इसमें थे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसन सच एज शूज मेकर, जो इसमें आर्टिसन होते थे शूज बनाने वाले, साथ ही साथ पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच बनाने वाले, प्रिंटर वाले, ये सारे के सारे जितने भी लोग थे ना जो कि प्रॉस्परस, लेस प्रॉस्परस सेक्शन से बिलोंग करते थे, ये सभी जैकोबिन क्लब्स में आते थे। देयर लीडर्स वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्टेड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स। तो सर अब है ना
जो ये ओवरऑल जो ये क्लब बना था, जैकोबिन क्लब बना था, इसको कंट्रोल कौन करने जा रहा था, उनको लेड कौन करने जा रहा था, वो करने जा रहा था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब बच्चों नाम बहुत अच्छे से याद रखना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का, क्योंकि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की जो स्टोरी है ना ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे हम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का फ्रांस रेवोल्यूशन और साथ ही साथ फ्रांस की जो सोसाइटी उसके अंदर क्या उसका इम्पैक्ट रहा, क्या उसका रोल रहा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर होते हैं वो जैकोबिन क्लब के क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, और साथ ही साथ जो जैकोबिन्स होते हैं, जो भी जैकोबिन क्लब के मेंबर्स होते हैं, स्मॉल शॉपकीपर, सर्वेंट्स वगैरह, अभी हमने देखा ना जो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी है, वो सारे के सारे लोग डिसाइड करते हैं कि सर हम आपसे क्या वियर करेंगे, हम लॉन्ग स्ट्रेप्टेड ट्राउजर्स, ऐसे कुछ जो ट्राउजर्स होते हैं ना हम उन्हें क्या करेंगे, वियर करेंगे, ताकि हमारी एक पहचान बन सके, ताकि ये हमारा एक सिंबल बन सके कि सर ये जो ट्राउजर्स है ना, ये ट्राउजर्स कहां पहने जाते थे, डॉग पे पहने जाते थे, अब ये कौन पहन रहे हैं, ये अब जैकोबिन्स पहन रहे हैं, अगर आपने ये ट्राउजर्स पहने हैं मतलब आप जैकोबिन्स को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, आप जैकोबिन्स के क्या हो, मेंबर हो। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम दी फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि वो अपने आप को ये फैशनेबल सोसाइटी के सेक्शन से क्या कर सके, अलग कर सके, साथ ही साथ स्पेशली नोबल्स वो वॉर नी ब्रेसेस। अब तो क्या करते थे सर, जो नोबल्स थे ना वो क्या पहनते थे, वो घुटनों तक, वो नीज तक क्या पहनते थे, ब्रेसेस पहनते थे। अब ये जो ब्रेसेस है उससे क्या था ना, एक फैशन को अलग लेके जाया गया कि सर अब हम ब्रेसेस नहीं पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे, हम पहनेंगे ट्राउजर्स। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वेडेड बाय द वियरर्स ऑफ न्यू ब्रेसेस। तो हमने ये देखा कि सर अब धीरे धीरे लोग है ना क्या पहन रहे थे, जैकोबिन्स को सपोर्ट करने के कारण वो ट्राउजर्स पहन रहे थे, और धीरे धीरे ये जो नी ब्रेसेस जो थे ना उनको क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ताकि वो बताना चाहते थे कि सर हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा जो रेवोल्यूशन है वो अब शुरू हो चुका है, हम क्या चाहते हैं, हम चेंज चाहते हैं, हम चेंज चाहते हैं ताकि हम हमारे ओवरऑल सिस्टम को बदल सके, और ये जो हमारा लेस प्रॉस्परस जो हमारा सोसाइटी का जो एक हिस्सा है, जो ये सेक्शन रह गया था जिसे पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए, अब इसे पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए। दिस जैकोबिन्स केम टू नोन एज द सेंस क्लोटर्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रेसेस। तो सर इनको किस नाम से जाना जाता था, सेंस क्लोटर्स के नाम से इन्हें जाना जाता था। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था दोज विदाउट नी ब्रेसेस, जो नी ब्रेसेस को नहीं पहनते हैं। सेंस क्लोटर्स मैन वॉर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। अब सर हमने है ना सिंबल्स के बारे में रीडिंग द सिंबल्स वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि सर ये जो रेड कैप है ना ये क्या है, ये सर हमारा एक सिंबल है। ओके, ये सिंबल क्या बता रहा है कि सर हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो हमने ये तो देख लिया कि उन्होंने अपने आप को अलग बताने के लिए ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिए थे, साथ ही साथ उन्होंने रेड कैप भी पहनना शुरू कर दिया था। तो देखो बच्चों ये रहा रेड कैप, तो इस रेड कैप के थ्रू वो बताना चाहते थे कि सर हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ये सब क्या थे, एक सिंबल थे। इन द समर्स ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसर्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हू वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाइज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब होता क्या है ना, पेरिस के सामने 1792 के समर्स में एक समस्या आके खड़ी हो जाती है। वो समस्या ये थी कि सर अब है ना धीरे धीरे जो फूड की सप्लाई है वो कम हो रही है, और साथ ही साथ जो फूड की प्राइसेस है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो जैकोबिन्स होते हैं ना वो प्लान करते हैं कि सर हमें अब क्या करना चाहिए, अभी हमें सारे जो पर्सियंस है उन्हें जमा करना चाहिए, सभी पेरिसियंस को जमा करना चाहिए, और हमें हमारा एंगर इसमें निकालना चाहिए। मतलब सर वो बात करने जा रहे थे कि हमें अब क्या लाना होगा, रेवोल्यूशन को लाना होगा, अब हमें चेंज को लाना होगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त एंड दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज, मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। तो हम ये देखते हैं कि सर जो पहले किंग था ना वो कहां रहता था, वर्सा पैलेस में रहता था। अब वो किंग कहां रह रहा है, वो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में रह रहा है, और ऐसे में क्या करते हैं लोग वहां पे मैसेकर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में वो किंग के जो गार्ड्स हैं उनको मारते हैं, साथ ही साथ जो किंग है उसको होस्टेज बना लेते हैं। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हेल्ड। अब इसी के साथ बच्चों नेशनल असेंबली वोट करती है कि सर जो रॉयल फैमिली उसे क्या कर दिया जाए, इम्प्रिजन कर दिया जाए, मतलब उसे जेल में डाल दिया जाए। और इसी के साथ अभी से ही 20 ईयर्स, मतलब सर 21 ईयर्स के जितने भी मैन हैं उन सभी को क्या दिए जाएंगे, वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, भले ही उनके पास वेल्थ हो या ना हो। फिर हम देखते हैं द नियरली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अभी जो इलेक्ट हुई थी असेंबली उसे हम नाम दे देते हैं कन्वेंशन का। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिशेस द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। और सर बात है 21 सितंबर 1792 की, जब वहां पे मोनार्की को क्या कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है, और फ्रांस को क्या बना दिया जाता है, एक रिपब्लिक बना
बना दिया जाता है। एज यू नो अब रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब सर जैसा कि हम जानते हैं कि सर रिपब्लिक क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर एक रिपब्लिक में क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं ना उन्हें हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं ओवरऑल सिस्टम जो कि हम डेमोक्रेसी में देखते हैं वही इसी सिस्टम की बात की जा रही है, इलेक्शन की बात की जा रही है। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। तो सर अब है ना किसी भी तरीके की हेरिडेटरी मोनार्की नहीं थी। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। फिर हम देखते हैं आगे लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस जेला कोनाकोड। तो हम ये समझ सकते हैं कि सर जो लुई 16 है उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और कुछ समय बाद जो क्वीन थी, क्वीन जिनका नाम था मैरी एंटोनेट, उनको भी सेम फेट, मतलब सर उनको भी है ना एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर हम एक बार इसका रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। तो चलो स्टार्टिंग पे चलते हैं इसकी। तो स्टार्टिंग यहाँ से थी बच्चों, हमने ये देखा है कि सर जो फ्रांस की जो सिचुएशन थी ना वो बाद के सालों में भी अच्छी नहीं रही थी। अब जो फ्रांस था ना धीरे धीरे उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब ऐसी बातें चल रही थी कि सर जो लुई 16 है वो एक सीक्रेट पैक्ट में आ चुके हैं किसके साथ, किंग ऑफ पर्शिया के साथ। अब ये जो बात थी ना ये है ना सबके सामने आने वाली थी। उससे पहले ही हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सर अब जो रूलर्स जो थे, जितने भी रूलर्स थे नेबरिंग कंट्रीज थी सर फ्रांस की, अब वो लोग डरने लग गए थे क्योंकि सर उन्होंने ये देखा था कि फ्रांस के अंदर क्या आ चुका है, फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी मतलब हमारी कंट्री में भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाए और हमारी जो पावर्स है उनको कर्व कर दिया जाए। तो ऐसे में वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम क्या करें, फ्रांस के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे ट्रूप्स को भेज देते हैं और जो फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसे हम ब्रेक कर देते हैं। ऐसे में अप्रैल 1792 की बात थी, अप्रैल 1792 के अंदर नेशनल असेंबली को कहीं ना कहीं से इस चीज का आइडिया हो जाता है कि सर जो किंग ऑफ पर्शिया है, जो ऑस्ट्रिया है, वो अब फ्रांस को सपोर्ट करने जा रहे हैं, फ्रांस को फिर से मोनार्की बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा, वॉर को स्टार्ट करना होगा। ऐसे में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ही वॉर डिक्लेयर होती कई सारे वॉलंटियर, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर, मतलब हजारों लोग जो है आर्मी ज्वाइन करते हैं ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो सॉरी की सारी यूरोप की जितनी भी एरिस्टोक्रेसीज है साथ ही साथ जितने भी किंग्स है उनको उठा के फेंक सके। और साथ ही साथ अब जब लोग है ना फ्रांस के अंदर आना शुरू होते हैं तो वो है ना कई सारे नेशनल वहाँ के कई सारे एंथम गाते हैं, कई सारे सॉन्ग्स को वो संग करते हैं ताकि वो एक जो नेशनलिज्म की जो एक फीलिंग है ना वो लोगों में वो बिठा सके। साथ ही साथ वो अपने आप को दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके कि सर हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम फ्रांस के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे नेशन के लिए लड़ रहे हैं। अब ऐसे में जो रेवोल्यूशनरी जो वॉर्स थे ना जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये जो रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था, रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू हुई थी, इसके कारण है ना कई सारे लॉसेस होते हैं, कई सारे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज अब लोगों के सामने आके खड़ी हो जाती है। अब जो लोग हैं, अब जो मैन है, अब जो मैन को कहाँ जाना पड़ रहा था, फाइट करने के लिए जाना पड़ रहा था वॉर्स के अंदर। अब पीछे की जो कंडीशन थी, पीछे की कंडीशन से मतलब है सर जो अब मैन के वहां जाने के बाद, फाइटिंग में जाने के बाद, वॉर्स में जाने के बाद, अब पीछे का जो उनकी फैमिली थी उनको कौन ध्यान रख रहा था, तो सर उनकी ध्यान रखने का काम हो गया था वुमेन्स का। अब वुमेन्स का एक रोल नया आ गया था, उनको अब है ना अर्न करना था, लिविंग अर्न करना था, मतलब सब उन्हें काम करना था ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। फिर हम देखते हैं लास्ट सेक्शन जो पॉपुलेशन था वो कन्वेंस हो चुका था कि सर हमें क्या चाहिए, हमें रेवोल्यूशन चाहिए। क्यों रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि सर 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लुई 16 ने एक्सेप्ट किया था सर, उसकी सबसे बड़ी कमी यही थी कि सर जो लिचर सेक्शन थे ना सोसाइटी के वही उसे कंट्रोल कर रहे थे, उसमें जो ये हमारा लेस प्रॉस्परस जो सेक्शन था उसका कोई रोल उसमें नहीं था, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए जाते हैं। अब ऐसे में जो ये लेस प्रॉस्परस जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल क्लब्स बनाते हैं ताकि सर वो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सके, इन आइडियाज़ के बारे में डिस्कशन कर सके, एक दूसरे को बता सके कि सर क्यों आखिर हमें लड़ना जरूरी है। फिर हम देखते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब। अब सर इनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो क्लब होता है उसका नाम था सर जैकोबिन्स। सर जो जैकोबिन्स है, अब इस जैकोबिन्स का नाम मिला था उसे सेंट जैकब से। फिर हम ये देखते हैं कि सर जो वुमेन्स थी, वुमेन्स ने भी अब डिमांड करना शुरू कर दिया था कि सर हमें भी अब क्या मिलने चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि सर हमारा भी पार्टिसिपेशन उतना ही है जितना मेंस का है। तो मेंस का पार्टिसिपेशन और हमारा पार्टिसिपेशन इक्विवेलेंट है किसमें सर, वॉर्स में, साथ ही साथ नेशनलिज्म में हमारे नेशन के लिए, तो सर हमारे पास भी क्या होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए। इसलिए
लिए वो क्या बनाते हैं, कई सारे क्लब्स वो बनाना शुरू कर देती है ताकि वो ओवरऑल सिस्टम के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस बता सके, अपना पार्ट वो बता सके। फिर हम देखते हैं कि सर जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर होते हैं ना, वो मेनली बिलोंग करते हैं लेस प्रॉस्परस सेक्शन, जैसे कि हम बात कर लेते हैं स्मॉल शॉपकीपर, जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, जूते बनाने वाले होते हैं, पेस्ट्री बनाने वाले होते हैं, वॉच बनाने वाले होते हैं, ये सभी किसके मेंबर होते हैं, ये सभी जैकोबिन क्लब के मेंबर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये जो जैकोबिन क्लब है इसको लीड कौन करता है, इसकी लीडरशिप किसके हाथ में आती है, इसकी लीडरशिप आती है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में। अब सर जैसे ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में इसकी लीडरशिप आती है, तो हम ये देखते हैं कि अब जो जैकोबिन्स होते हैं ना, वो अपने आप को अलग बताने के लिए लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स को क्या करते हैं, पहनना शुरू कर देते हैं। अब लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर से वो बताना चाहते हैं कि सर हम जो फैशनेबल सोसाइटी, फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उससे हम अलग हैं, हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमारे कुछ इश्यूज हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सर धीरे धीरे अब जो लोग थे वो चाह रहे थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैकोबिन क्लब से जुड़े, ताकि वो बता सके कि सर हमें क्या चाहिए, अब हमें राइट्स चाहिए और साथ ही साथ हमें एक क्या चाहिए, चेंज चाहिए। अब ऐसे में उन लोगों को कहा जाता था सेंस क्लोटस, सेंस क्लोटस का मतलब होता था दूस विदाउट नी ब्रिजेस। तो पहले के जो उस टाइम पीरियड के जब हम बात करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या पहने जाते थे, ब्रिजेस पहने जाते थे। और सर जो हमारा जो ये लो प्रॉस्परस जो है ना सोसाइटी का जो सेक्शन था ना, वो क्या नहीं पहन रहा था, ब्रिजेस को नहीं पहन रहा था, उसको अवॉइड कर रहा था, इसलिए उनका नाम रख दिया गया था सेंस क्लोटस। तो ऐसे में वो बता रहे थे कि सर हम हमारी सोसाइटी में अलग है, हमारा जो ये थर्ड स्टेट था, या फिर हम बात कर लेते हैं जो अभी हमारा जो ये लेस प्रॉस्परस सेक्शन है, ये जो हमारा प्रॉस्परस सेक्शन है उससे बहुत ही अलग है। ऐसे में वो रेड कैप को वियर किया करते थे ताकि वो सिंबलाइज कर सके फ्रीडम को, कि सर हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अब ऐसे में समर शुरू होता है 1792 का। तो सर जैसे ही समर शुरू होता है 1792 का, देखा जाता है कि सर फूड की जो सप्लाई है उसमें शॉर्टेज देखी जाती है, साथ ही साथ फूड की सप्लाई की शॉर्टेज होने के कारण उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैकोबिन्स कहते हैं कि सर हमें हमारे जितने भी पेरिसियंस हैं उनको जमा करना चाहिए और हमें रेवोल्यूशन को शुरू करना चाहिए। अब अगस्त 10 की बात है, तब क्या होता है कि रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। जो किंग था उस समय वो था सर पैलेस ऑफ द टुलरीज में। तो सर वहाँ पे मैसेकर किया जाता है, किंग को होल्ड किया जाता है, मतलब उसे पकड़ा जाता है, उसे होस्टेज बनाया जाता है, और साथ ही साथ बाद में नेशनल असेंबली किंग की रॉयल फैमिली को क्या बता देती है, इम्प्रिजन बता देती है कि सर अब इन्हें जेल में तो जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे में इलेक्शंस वर हेल्ड, अब ऐसे में इलेक्शंस को हेल्ड किया जाता है, मतलब इलेक्शन किए जाते हैं, कराए जाते हैं। और सर इसी के साथ साथ 21 ईयर से अबो सभी मेंस को क्या कर दिए जाते हैं, उन सभी मेंस को राइट टू वोट दे दिया जाता है, साथ ही साथ रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, मतलब उनके पास भले ही वेल्थ हो या ना हो पर उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। फिर हम देखते हैं सर जो ये न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी ना, उसको एक नाम दिया जाता है कन्वेंशन का। अब ये जो कन्वेंशन है, ये नाम था सर न्यूली इलेक्टेड असेंबली का। 21 सितंबर 1792 को अबोलिश कर दिया जाता है मोनार्की को, और जो फ्रांस है उसको बना दिया जाता है एक रिपब्लिक। फिर हम ये देखते हैं कि एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे जो लोग हैं, जो जनता है, वो इलेक्ट करती है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को, गवर्नमेंट के हेड्स को। फिर हम देखते हैं देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्कीज। तो सर रिपब्लिक में किसी भी तरीके की हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होती, मतलब मोनार्की का जैसा कोई नहीं होता रूल। फिर हम देखते हैं यू कैन ट्राई, अब आप खुद अपने से ट्राई कर सकते हैं ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है। फिर हम देखते हैं लुई 16 जो है उसे सेंटेंस किया जाता है डेथ, मतलब सर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1793 को। और कुछ समय बाद ही जो मैरी एंटोनेटे थी, जो क्वीन थी, उसे भी सेम फेट, मतलब सर उसे भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।